जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी का नेतृत्व, सभी सामान्य विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, जैसा मुझसे पहले हमारे साथियों ने आपके बीच में बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों की जब घोषणा की तो हिमाचल प्रदेश के भी चारों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा हुई। और जब चारों लोकसभा सीट की प्रत्याशियों की घोषणा होने के साथ साथ में हमें मालूम पड़ा, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इस मांडव ऋषि की धरती मंडी से इस मंडी की बेटी कंगना रावत चुनाव में उतरेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। चारों तरफ कांग्रेस के नेताओं को इस बात को लेकर के बेचैनी हो गई और उसमें स्वाभाविक रूप से चुनाव का यह दौर है, उनको लगा कि हिमाचल निकल रहा है हाथ से, ये मंडी थोड़ी सी पकड़ के रखी है, इस मंडी भी हाथ से निकलने जा रही है। तो कांग्रेस की एक नेत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक सोशल मीडिया के माध्यम से जिसका नाम सुप्रिय श्रीनेत है, अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एक बहुत ही भद्दी बेहुदा टिप्पणी की कंगना जी पर, और कंगना जी के साथ साथ में हमारी मंडी मांडव ऋषि की धरती मंडी पर भी की। और छात्रों को मालूम नहीं है ये मंडी का नाम कैसे हुआ है, मंडी ये मंडी सब्जी मंडी नहीं है, अनाज मंडी नहीं है, ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस भाव को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम से पड़ा है। महर्षि मार्कंडे इसी धरती पर और ऐसे हालात में इस प्रकार से वो टिप्पणी की, और टिप्पणी के बाद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी आगे कमेंट करते रहे सोशल मीडिया में। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिबटल किया, उसका जवाब दिया, तो सुप्रिया जी कहती हैं मैंने डिलीट कर दिया है वो, मेरा सोशल मीडिया हैंडल जो है उसकी एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है और मैं इस सारी चीज के लिए खेद व्यक्त करती हूं, ऐसे भी कहा उन्होंने। अरे खेद व्यक्त करने से काफी नहीं हो पाएगा, ये उनको इस बात को समझना होगा कि अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये जारी किया है तो वो व्यक्ति कौन था, उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई अभी, उसके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ IT Act के अंतर्गत, इस पर चुप्पी है। विभाग के तो इस बात का, एक महिला के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करती है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं। भाई और बहनों में ये कहना चाहता हूं, अभी कंगना जी तो मंडी आई नहीं, लेकिन उससे पहले ही उनकी इस प्रकार की मानसिकता सामने आ गई। और ये कांग्रेस और शक्ति की बात करते करते सनातन का विरोध करते, भगवान रामचंद्र जी के करने की कोशिशें हुई, सरकार किसकी थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश को उस वक्त थी। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं,
आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहकर महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, और महिला सम्मान निधि की बात तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान आपके नेता राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से कर रहे हैं इस बात का उनको एहसास नहीं। आज हम यहां पर सब इसी एक बात को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। कल रात हमने फैसला किया कि आओ इस बात का विरोध होना चाहिए और मंडी से होना चाहिए, मांडा वृष्टि की धरती से इसका विरोध होना चाहिए। ये संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए। कंगना मंडी की बेटी है और मंडी की बेटी का अपमान नहीं सह करेंगे। इस बात को बड़ा साफ कहना चाहते ये हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार से आप टिप्पणियों से छलने करोगे, बदनाम करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बात को हम साफ कहना चाहते हैं। मंडी की बेटी यहां से सफर करके मुंबई पहुंचती है, 20 साल का फिल्म का कैरियर उनका, फिल्म में संघर्ष करते हुए एक मुकाम को हासिल करती है और फिल्म में काम करते हुए अलग अलग भूमिका में जो आवश्यकता रहती सारी चीजों की, उसमें उन्हें बहुत बेहतर ढंग से जो है परफॉर्म करते हुए अपना नाम जो है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कायम किया और हिमाचल का नाम भी रोशन किया। जहां जिक्र हो रहा था उससे पहले एमरजेंसी फिल्म बनने वाली है जो बन करके तैयार है, और रानी झांसी की भूमिका के नाते कंगना जी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। उनके फिल्म इंडस्ट्री की उस यात्रा के बारे में हम जिक्र करेंगे तो बात में करेंगे, लेकिन कुछ मित्र हमारे आज भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, कह रहे कि कंगना जी तो दिल्ली नहीं मुंबई, दिल्ली भी नहीं मुंबई भी लेगी जाकर के। मैं यही कहना चाहूंगा, एक जनून के साथ काम करने वाले जिनका घर मुंबई में वहां पर तोड़ दिया गया, इसलिए तोड़ दिया क्या, उनने प्रखर अपनी सनातन धर्म की पहचान को मजबूती के साथ लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त योग्य नहीं है, और जो बात कहेंगे वो साफ शब्दों में कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई होती है और कार्रवाई के मुताबिक वहां पर उनको घर को तोड़ दिया जाता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट से राहत मिलती है, और इस प्रकार के संघर्ष करने के बाद इस प्रकार से भारत की फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने नाम कमाया। और मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, जो संघर्ष की प्रवृत्ति, उनकी काम करने की प्रवृत्ति, काम करने का तरीका है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक सांसद जब चुन करके जाएंगे तो सांसद की भूमिका को भी उठी जोश और जनून के साथ वो पूरा अन्य के सवाल से मालूम पड़ जाता है, जिस काम को हाथ में लेकर के उस काम को पूरा करके छोड़ना, संघर्ष करना, मेहनत करना, आगे बढ़ करके उसके लिए लड़ाई लड़ना। इसलिए भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं ने किया है, कांग्रेस उस नेत्री ने किया है, उनको हम साफ कहना चाह रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि का अपमान किया है, हिमाचल की बेटी का अपमान किया है, ये मंडी का अपमान किया गया है, ये मंडी की बेटी का अपमान किया है, और इसका खामियाजा मंडी में तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे देश भर में इसको भुगतना पड़ेगा। इस बात के लिए कांग्रेस के नेता क्या, आज मंडी अपने स्वाभिमान के साथ खड़ी है, मंडी के स्वाभिमान का विषय है ये, और स्वाभिमान के लिए मंडी की बेटी के साथ मंडी खड़ा है। इस बात का संदेश देने के लिए हम सब लोग आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हैं। भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहूंगा, जो हालात बने हैं
पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई ताकत नहीं रोक सकती। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। ये दीवार पर लिखी हुई इमारत और बाकी बात 400 पार का नारा दिया है, जहां पूरे देश में आपकी बात 400 पार, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी बात फिर हमने वही बात कही है, आपकी बात फिर चार की, फिर चार की। 2014 में हम चारों सीटें जीते, 2019 में हम चारों सीटें जीते, 2024 में फिर चारों सीटें जीतेंगे। हम इस संघर्ष के लिए आज से हम तैयारी करें और इस विरोध के साथ, इस अपने जोश और जनून के साथ इस संदेश को पूरे देश भर में दें। ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस नजर से कांग्रेस देख रही है, जिस तरह से कांग्रेस मंडी का जो है बदनाम करके, मंडी को बदनाम करके इस प्रकार से मंडी की भावना को आहत करने की कोशिश कर रही है। ये मंडी मांडव ऋषि की मंडी है। इस मंडी का संदेश पूरे देश भर में जाएगा और पूरे देश भर में कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात को हम साफ कहना चाहते हैं। आइए हम आज संकल्प करते हैं कि मंडी मंडी की बेटी के साथ है। कंगना रावत को यहाँ से भारी बहुमत के साथ हम जिता करके लोकसभा में भेजेंगे और मंडी की आवाज, बुलंद आवाज जो है लोकसभा में कंगना जी के माध्यम से जिस प्रकार से गूंजेगी, तो निश्चित रूप से हम मंडी वालों का भी सम्मान होगा, मंडी के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वो हमेशा लड़ेंगे। इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में कहना है। मंडी की अस्मिता के लिए मंडी इकट्ठा है, मंडी की पहचान के लिए मंडी आज इकट्ठा है और मंडी के बेटी के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए आज मंडी इकट्ठा है। ये संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।